शुरू होता है अब। धन्यवाद। तो जो भी कचरा होता है सारा रिसाइकल हो सकता है। जो भी एक आप कचरा पैदा करते हैं उससे, जैसे एक आंटी ने यहाँ पे बोला था, जो भी गीला कचरा होता है उससे आप मैन्योर बना सकते हैं। जो भी पेपर का कचरा हो सकता है आप उससे और भी चीजें बना सकते हैं, जैसे जो भी प्लास्टिक का है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा सारा हर एक चीज रिसाइकल हो सकता है। थोड़ी चीजें वेस्ट होती है लेकिन ज्यादातर जो भी कचरा हम पैदा करते हैं हम अपने घरों से, वो सारा रिसाइकल हो सकता है। अब मैंने खुद एक कंपनी स्टार्ट की है रिसाइकलिंग के बारे में। तो हम अभी तो सिर्फ पेपर को रिसाइकल करते हैं, जैसे जो भी आपके घर में पेपर, रद्दी, कार्डबोर्ड, ओल्ड नोटबुक्स, जो भी जब भी बच्चों का स्कूल ख़त्म हो जाता है वो जब भी पैदा होता है हम उसको रिसाइकल करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो उसी रद्दी से बनती है। अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स देखोगे तो आप सोचोगे कि इस गंद पेपर से आपने ऐसी चीज़ें कैसे बना ली, क्योंकि जो हमारी चीज़ है आप सोचोगे ये तो असली पेपर है, नया पेपर जो आप मार्केट से खरीदते हो। लेकिन हमारा आइडिया है कि आप हमें अपनी पुरानी पेपर दो और हम आपको हमारी नोटबुक्स, पेन और पेंसिल देंगे जो उसी रद्दी से बनती है। तो हम आपसे पैसे भी चार्ज करेंगे, हम आपसे वही चीज़ें चार्ज करेंगे जिससे हम वो चीज़ें बनाते हैं। वो क्या चीज़ें बनाते हैं दिखाओगे सबको? जितनी है उतनी दिखाओ। प्लीज। इस बच्चे ने एक इनिशिएटिव लिया है और इसने कुछ चीज़ें बनाई हैं अपने घर पे ही, अपने खुद के सहयोग से और अपनी खुद की हिम्मत से। जैसे आप जैसे आप ये देख सकते हैं ये एक पैकेट है, लेकिन इसके अंदर जो पेंसिल है, आपके घर पे जो भी बच्चे या आप खुद यूज करते होगे, वो वुड से बनी हुई पेंसिल होती है। लेकिन हमारी जो ये पेंसिल है, ये हमारी बहुत स्पेशल पेंसिल है, इसलिए क्योंकि पहले तो ये पेंसिल वुड से नहीं बनती, ये उसी पेपर से बनता है। आपको लगता है इसी पेपर से बनता है? किसी को लगता है यहाँ पे? तो बात नहीं। तो अगर आप देखोगे हमने यहाँ पे ऊपर पे बीज डाले हुए हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अगर देखा जाए पेड़ से हम पेपर बनाते हैं, पेपर फिर वेस्ट होता है, तो हम उसी वेस्ट से फिर से लाइफ बनाएंगे और ये प्रोसेस को हम फिर से ज्वाइन करेंगे जैसे कभी ख़त्म ना हो और पेड़ों की कमी ना हो। अगर देखा जाए इतनी गर्मी क्यों हो रही है, क्योंकि हम पेड़ काटते हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, उसके वजह से गर्मी ज़्यादा होती है और उसके बचाने के लिए हमें और पेड़ उगाने पड़ेंगे। वो सिर्फ एक ही पॉइंट है। उसके लिए हमने ऐसे यहाँ पे बीज डाले हुए हैं जैसे आप उगा सकते हैं जब आपकी पेंसिल छोटी हो जाए। ये पेंसिल इनिशिएटिव इतना अच्छा नहीं है तो क्योंकि ताली बता रही है कि हाँ अब अच्छा है। ये पेंसिल क्या हमारे मेहमानों को कुछ आप क्या करोगे? देखिए वैसे तो ये पेंसिल का एक प्राइस है, लेकिन क्योंकि लग तो नहीं रहा किसी के पास पेपर होगा अभी, इसलिए मैं आपको ये देता हूँ। इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है और हमारी वेबसाइट भी है, आप ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करना और भी हमारे सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे होंगे, और आप मेरे नंबर पे कॉल करना ज़रूर अगर आपके घर पे पेपर है। मैं आऊँगा या किसी को भेज दूंगा आपका पेपर कलेक्ट करने के लिए, और सारे प्रोडक्ट्स भी लाऊंगा जिसे आप सारे देख सकते हैं। इस पेंसिल, एक पेंसिल के लिए तुम कितना पेपर लोगे? वैसे तो ये पेंसिल 1 किलो 500 ग्राम की है, लेकिन अभी आपको हम दे रहे हैं ऐसे मुफ्त में। पक्का? पक्का। आप नहीं लेना, मत लेना, इसलिए नहीं लेना क्योंकि जो इस बच्चे ने इनिशिएटिव किया है उससे पहले आपको ये कसम खानी पड़ेगी कि जिस तरीके का ये इनिशिएटिव बच्चा ले रहा है आप भी लेंगे अपने घर पे। पक्का है या नहीं? इधर से आवाज नहीं आई, पक्का है या नहीं? चलो तो ये बच्चा आपको ये गिफ्ट दे रहा है, आप इसको जरूर देखिए। और मैं चाहूंगा कि अपने घर के बच्चों को भी इस बच्चे की तरह उस रास्ते पर लेके आइए जिस रास्ते पे ये चला हुआ है, और इसको विशेष और इसको आशीर्वाद दीजिए कि ये अपने रास्ते में, अपने मकसद में कामयाब हो। ताली बजाओ।